हेलो एवरीवन, अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करते थे, कुछ नई चर्चाएं भी करनी है। सो अगली जो चर्चा है वो आ रही है रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। अब देखो, सॉफ्टवेयर है तो काम सारा हो रहा है डिजिटल। अब कहीं ना कहीं डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट और डेटा लीक प्रिवेंशन, ये दो टर्म्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब ऐसे में कहूँ तो कोई खास नाता है नहीं, आप अगर इनको डायरेक्टली पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या, अगर डिस्कस नहीं होगा ना, और अगर डिस्कस नहीं किया रहा होता तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए क्या है, डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं डिस्कस नहीं करूंगा तो आप फिर मुझे बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि दो टर्म है डीआरपी और एक और टर्म है डीएलपी। सॉरी, डीआरपी नहीं बोलूंगा, डीआरएम बोलूंगा। अच्छा, डीआरपी भी एक टर्म है वैसे, दैट स्टैंड्स फॉर डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। वो जो हमारा मॉड्यूल 7 का डिस्कशन हो रहा होगा तब काम आएगा। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बेसिक्स। बेसिक्स कहां से आते हैं, मॉड्यूल 1 से आते हैं, जो कि आपका प्राइमर मॉड्यूल भी कहलाता है। तो अभी बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, उस बेसिक्स में अगर आगे भी कुछ जोड़ने लायक होगा तो हम जोड़ते हुए पढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या ऐसा नहीं कर रहे कि हम लोग पढ़ नहीं रहे, ठीक है। हम लोग सब कुछ कवर कर रहे हैं और मैं आगे जितना जितना लिंक हो सकता है उतना उतना लिंक कर। जैसे ईआरपी कायदे से मैं बाद में भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिजाइन को समझना बड़ा जरूरी है और हम जिस सॉफ्टवेयर डिजाइन से काम करना चाहते हैं उसको समझना और भी ज्यादा जरूरी है। सो इसलिए मैंने वो आपको पहले पढ़ा दिया, अदरवाइज मैं चाहता तो उसको डिले लगा सकता था। तो हम वो काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात यहां तक की बातें समझ में आती। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट डीआरएम, दैट इज डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। बेसिकली डीआरएम का कॉन्सेप्ट एक सॉफ्टवेयर एंटिटी के लिए, या फिर एक ऐसी एंटिटी के लिए जो ई कॉमर्स में धंधा करती है, एक ऐसी एंटिटी के लिए जिसका बिजनेस पर्टिकुलरली सिस्टम से चलता है, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट यानी कि आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है डिजिटल कंटेंट का, वो कहां से रिफ्लेक्ट होता है, डीआरएम के टर्म से रिफ्लेक्ट होता है। और इसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए जिस पॉलिसी को आपने ऑडिट करना पड़ सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जहां पे भी सॉफ्टवेयर बनवाए गए हो, जहां पे भी सिस्टम्स के बारे में हो, वहां पे डीआरएम के बारे में जरूर कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। दूसरी बात आती है डेटा लीक प्रिवेंशन की, दैट इज टू एंश्योर दैट द एंड यूजर्स डू नॉट सेंड सेंसिटिव और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ द कॉर्पोरेट नेटवर्क। तो इंटरनल कुछ पेनल्टीज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो इस पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट डीएलपी पे जरूर बात करें। अब आप समझना, मेरे भी बड़े सारे ऑनलाइन वेंडर्स हैं। एक वेंडर है अनअकैडमी, अनअकैडमी के साथ में जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डीएलपी पे एक क्लॉज लिखा हुआ है। अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, और अगर आप देखोगे कि उनके एम्प्लॉइज हैं और उनका काम बहुत सारा इस तरह का है जहां पे डिजिटल मीडिया यूज होता है, तो आप उनको बोल सकते हो, या आप उनको गाइड कर सकते हो, या फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में से कहीं ना कहीं एक चीज ढूंढ सकते हो कि अगर आपने डीएलपी के बारे में कुछ लिखा नहीं है और डेटा लीक प्रिवेंशन की कोई पॉलिसी नहीं है या उसके ऊपर कोई पेनल्टीज नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो एज एन ऑडिटर आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी चेक करने होते हैं, और ये कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशंस हैं जिनको आप जरूर वेरीफाई करना। सो मैं आपके लिए लिख रहा हूं सिर्फ सेवा भाव में, कि अगर आप एक ऑडिटर हैं तो आपने ये कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, ये आपको ध्यान रखना। सो ये कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशंस एग्जिस्ट करनी चाहिए, करनी चाहिए, उसके लिए हम लोग मेहनत करें। ओके, आगे चलो। ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर असेट मैनेजमेंट। अच्छा, सॉफ्टवेयर अपने आप में एक असेट है, और सॉफ्टवेयर बनवाए जाते हैं, कस्टमाइज कराए जाते हैं। ईआरपी की बात करें, बड़ा खर्चा होता है, और खर्चा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑडिट तो करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा हो रहा है तो सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखना भी जरूरी है। तो हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को एक तो ये देखना चाहिए कि कौन से ऐसे एप्लीकेशन है जिनकी यूजेज हो नहीं रही है। सो नॉन यूजेज ऑफ एप्लीकेशन आप आइडेंटिफाई करो। दूसरा, हम बोल रहे हैं कि ऐसे एप्लीकेशन जो कि इंस्टॉल्ड थे, प्रीवियसली काम आ रहे थे, 60 दिन से अभी तक यूज नहीं किया। अब होता भी ऐसा कि काफी जगहों पे आपके मंथली पेमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ खुद, गूगल ड्राइव पे मैंने स्पेस लिया हुआ, क्योंकि हमको गूगल ड्राइव पे आप लोगों को क्लासेस वगैरह देनी होती है, तो वी रिक्वायर लार्जर स्पेस दैट यू माइट रिक्वायर। तो मैं गूगल ड्राइव पे 1 TB स्पेस मेंटेन करता हूँ, और एक और 1 TB और मेंटेन करता हूँ। दो मैंने आईडीज ले रखे हैं, और दो आईडीज पे 1 TB मेंटेन करता हूँ, यानी 2 TB ऑफ स्पेस आई एम हैविंग इन माय गूगल ड्राइव। दोनों पे क्या रहता है, दोनों पे ही कॉपी रहता है, ताकि कल को एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज लग भी जाए तो दूसरा काम आ जाए, ठीक है ना। इसलिए हम दोनों जगह पे कॉपी रखते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं आपको, कि जब मैं ये दो स्पेस मेंटेन करता हूँ और दोनों जगह पे सेम डेटा भी कॉपी रखता हूँ, तो इसका मतलब मुझे स्पेस तो 1 TB चाहिए, लेकिन मैंने दोनों रखा हुआ है। वैसा हो सकता है कि एक साल बीत गया, और एक साल बीत गया और मेरा पता चल रहा है कि टोटल यूजेज ही 200 GB है, और मैंने चेक करा कि 200 GB का भी एक प्लान गूगल के पास है मुझे देने को, तो बेहतर होता ना कि मैं वो लेता। इसका मतलब आपके जो सॉफ्टवेयर असेट्स है
वहां पे भी आप काफी जगहों पे रेंटल्स भर रहे हैं, और अगर ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पे आपको कंटिन्यूअसली पैसा भरना पड़ता है, तो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड कि अपनी यूटिलिटी रिक्वायरमेंट कितनी है। और दूसरी बात कि अगर आप यूज कर रहे हो तो सही वर्जन तो यूज कर रहे हो ना। काफी बार अपडेट्स आते हैं, हम अपडेट्स को पोस्टपोन कर देते हैं, हमारे पास में लेटेस्ट वर्जन होता नहीं है, और लेटेस्ट वर्जन नहीं होता तो हमारे पास में कुछ फीचर्स नहीं होते। अब जब ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता है, आगे इंटीग्रेट नहीं होता। आप ये भी समझ लो कि वर्ड 2003 का फाइल और वर्ड 2016 में पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उसके इंटीग्रेशन को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं। इनफैक्ट कुछ सिंबल्स वगैरह गलत भी आ सकते हैं। तो आप समझो कि वर्जन लेटेस्ट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्जन की जब बात आती है तो हम बोलते हैं दैट इट शुड बी लेटेस्ट एंड मोस्ट करंट। अभी जो तीन पॉइंट है ये कहीं ना कहीं इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि अगर आपको ऑडिट करना हो सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट का, देखो क्वेश्चन सुनना बहुत ध्यान से, अगर आपने ऑडिट करना हो सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट का, देन विच ऑफ दीज एक्टिविटीज वुड यू परफॉर्म फर्स्ट। तो आपको दो तीन चीजें लिख दी उन्होंने, 1 2 3। अब क्या होगा, आपके हिसाब से आपको लग सकता है कि शायद वर्जन यूजेज सही होना हो उसके ऊपर पहले बात कर लेनी चाहिए। किसी को हो सकता लगता हो कि कौन से एप्लीकेशन ऐसे हैं जो 60 दिन से ज्यादा यूज नहीं हुए, लेकिन आपको तो सीधे सीधे पहले आपको ये बोलना है कि आइडेंटिफाई नॉन यूजेज ऑफ एप्लीकेशन। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। तो फर्स्ट पे बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेप्स के ऊपर भी, तो ये ध्यान रखना है। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस किया और आप ये गलती ना करें इसलिए, और आपके लिए प्रोसीजर भी बन गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बिल्कुल आ सकता है। अब क्या होगा, जहां पे भी ऑडिट वर्ड लिखा होता है हमको लगता है कि शायद ये उस वाले मॉड्यूल से जहां पे ऑडिट डिस्कस होता है, दैट इज प्राइमरीली मॉड्यूल नंबर 6, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मॉड्यूल नंबर 1 में। तो ये भी कभी कभी गलती हो जाती है, तो इसलिए आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट ने शायद जो है बोला तो था हमें लोगों को कि वेटेज फॉलो करेगा, लेकिन वेटेज फॉलो किया ही नहीं, ऑडिट ही ऑडिट पे क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसा नहीं है, वेटेज वो पूरा फॉलो करता है। इसलिए प्राइमर मॉड्यूल जो है आपका 40 नंबर का, और 40 नंबर मतलब बहुत मायने रखता है, क्योंकि 40 क्वेश्चन 200 में से सिर्फ एक ही मॉड्यूल में से पूछ रहा है, जबकि मॉड्यूल है 7। तो अगर आप देखें तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। अब मैं ऐसा कहूंगा कि मैं प्राइमर मॉड्यूल के सारे पेजेस तो नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि देखो एक होता है कि टीचर की टैक्ट होती है जहां पे उसको मालूम होता है कि ये टेस्टेबल है पेपर में और किस तरह से टेस्टेबल है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। तो आपको उधर उधर एरियाज पे फोकस करना। अगर आप बोलोगे कि आप सारा पढ़ो, तो देखो कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बुक में नहीं दी हुई फिर भी मैंने पढ़ाई, क्योंकि आपको कोरिलेट करने के लिए नॉलेज देने के लिए वो जरूरी थी, ठीक है। वैसे ही बुक में काफी सारी बातें ऐसी भी हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है करंट सिनेरियो में, और अगर फिर भी उसमें से क्वेश्चन आने लायक होता तो मैं उसको डिस्कस जरूर करता, ठीक है। तो प्लीज ट्रस्ट कीजिएगा पूरा का पूरा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम बात कर रहे हैं डेटा के बारे में। अच्छा मैं आपको बोलूं कि 24 अगर मैं बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 24 एक डेटा है। मैं ऐसा बोलूं कि विराट कोहली स्कोर्ड 24 रन्स इन हिज लास्ट इनिंग्स, मतलब पिछला मैच जो खेला था उसमें 24 रन बनाए थे। तो हम बोल सकते हैं कि दिस बिकम्स एन इंफॉर्मेशन। डेटा को जब कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि किस बारे में बोल रहा है भाई 24 किस क्या, तो वो क्या हो गया, वो हो गया इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अगर बहुत सारी एग्रीगेट कर लो और उसका बहुत अच्छा एनालिसिस कर लो तो उससे जनरेट होती है नॉलेज। तो हमेशा हम जब डेटा बनाते हैं, मतलब अगर हमने डेटा ढंग से मेंटेन करा हुआ है और अगर हम डेटा को प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी पे फर्दर एनालिसिस करके ही हम नॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटा के स्टोरेज पे बड़ा ध्यान देते हैं कि डेटा को ढंग से रिकॉर्ड किया जाए। अगर डेटा ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है सही फॉर्मेट में, सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ क्रिएट करेगा। अच्छा मैं थोड़ा सा और समझाता हूं, नॉलेज कैसे होगी। अब मैंने आपको बोला कि आप लोग हमेशा ऐसा बोलते हो विराट कोहली इज अ चेज मास्टर, ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि विराट कोहली ने वो लोहा मनवाया है। कैसे हुआ ये काम, कैसे आपने बोल दिया। अच्छा ये जो स्टेटमेंट है इट्स अ नॉलेज स्टेटमेंट। कैसे आया ये स्टेटमेंट, ये ऐसे आया स्टेटमेंट कि अगर एग्रीगेट कर लिया जाए इन्फॉर्मेशन को, मतलब अक्रॉस मैचेस बहुत सारे मैचेस का इन्फॉर्मेशन, यानी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके जब हमने एनालिसिस किया तो हम लोगों को कुछ और कंक्लूजन्स मिले, कुछ और इन्फरेंसेस मिले, और अगर उसी नॉलेज में हम अपना एक्सपीरियंस जोड़ दे तो आता है विजडम। यानी उस नॉलेज तक तो कौन पहुंचा दे हमें, हमें सिस्टम्स की मदद से वो नॉलेज हो जाए, और उस नॉलेज के अंदर हम अपना एक्सपीरियंस डाल दें अगर, तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, विजडम आ जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लेने में बड़ा हेल्पफुल होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात यहां तक समझ में आती है, और मुझे लगता है कि ये क्लियर भी है, इतना मुश्किल कुछ है नहीं। अच्छा तो ये जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है पूरा का पूरा,
तो ये तो हुई जी डेटा, ये हुआ क्या इंफॉर्मेशन। सो ये है डेटा, ये हो जाता है इंफॉर्मेशन। यहां तक हम पहुंचते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक नॉलेज स्टेटमेंट है। और अगली बार जब टॉस जीता तो इंडिया की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग चेज करेंगे, हम लोग पहले रन नहीं कर रहे हैं। तो ये हो सकती है विजडम, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक डिसीजन मेकिंग में काम आ रही है। लेकिन सभी की शुरुआत कहां से होती है? डेटा। तो डेटा बनता है रॉ मटेरियल, यानी हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं और मैंने बिना बताए शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट कैसे कर लिया? पहले मैं पढ़ा रहा था हार्डवेयर, फिर अभी थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था सॉफ्टवेयर, और अब फाइनली शिफ्ट कर चुका हूं डेटा पे। लेकिन आपको वार्निंग नहीं दी है कि मैं डेटा पे शिफ्ट कर चुका हूं। अब देखो, डेटा का जब अच्छे से स्टोरेज करोगे तो क्या कहलाएगा? डेटाबेस कहलाएगा। देखो, डेटा को हम जब जगह जगह से इकट्ठा करके एक जगह पे रखते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डेटाबेस। यानी हम लोगों की कोशिश ये होती है कि देखो, जगह जगह से डेटा जो बिखरा हुआ है उसको एक जगह पे ले आओ। सबसे पहली समझ हमने ये बोली कि अगर हम लोगों को एक इस तरह से काम करना है कि ऑनलाइन भी है, इधर उधर बिखरा हुआ भी है काम, और लोग हम चाहते हैं कि जगह जगह से कनेक्ट होकर के एक ही एंटिटी में काम कर सके, तो हम लोगों को सबसे पहली चीज जो चाहिए वो चाहिए कॉमन डेटाबेस। इनफैक्ट ईआरपी के लिए भी एक कॉमन डेटाबेस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डेटाबेस एक नहीं करोगे तब तक क्या होगा, सबके पास अलग 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 बिखरा हुआ रिकॉर्ड होगा, और बिखरा हुआ रिकॉर्ड होगा तो ना तो उसमें कोई बहुत अच्छा एनालिसिस हो पाएगा, क्योंकि एग्रीगेशन नहीं होगा तब तक नॉलेज नहीं मिलेगी, और जब तक वो बिखरा हुआ होगा तब तक हमें पता नहीं होगा कि कौन सा डेटा रिलेटेड है, कौन सा डेटा अनरिलेटेड है, कौन सा डेटा काम का है, कौन सा डेटा काम का नहीं। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि पहले ए का डेटा ए के सिस्टम पे हुआ करता था, उसको हम लोग लेकर आ गए कॉमन डेटाबेस पे। सिमिलरली ए बी सी डी, तो अब क्या हो गया, सबका डेटा एक ही जगह पे आ गया, तो इसका मतलब सबको ही मोस्ट अपडेटेड फाइल मिलेगी, एंड एवरीबडी विल हैव वन वर्जन ऑफ ट्रूथ ओनली। मतलब अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे है, तो जब ए एक फाइल को अपडेट करता है तो एक ही फाइल को अपडेट करता है। आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। आप तो सभी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सब टैली चला चुके हैं। टैली के अंदर बड़े सारे आप बैकअप क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। अब एक बैकअप डेटा आपने क्रिएट कर लिया, तो से फॉर एग्जाम्पल इस पीसी पे अगर बैकअप डेटा क्रिएट होता है तो आपने कहा चलो ठीक है फाइन। अब आपने कहा कि ये बैकअप डेटा यूज कर सकते हैं आगे के लिए, तो आपने कुछ काम किया एक एंटिटी पे और आपने इधर बैकअप लेके रख लिया अपने पास। बी को इसके बारे में मालूम नहीं था, बी के पास पुराना बैकअप पड़ा हुआ था, बी को भी कुछ एंट्रीज करनी थी सेम एंटिटी के लिए, तो बी ने भी कर दिया, खोलकर अपना बैकअप खोला, उसको लोड करा, उसमें एंट्रीज की और वो अलग। अब इनके पास जो टैली है सेम कंपनी का, से फॉर एग्जाम्पल आरजे एंड कंपनी कर देते, सो इनके पास जो आरजे एंड कंपनी का जो डेटा है मैं कह दू वन, और आपके पास जो आरजे एंड कंपनी का डेटा है दैट इज टू, वो मैच ही नहीं होगा। सो मैं ऐसा कह रहा हूं कि वन इज नॉट इक्वल टू टू, प्लस देयर इज डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। एक जो फाइल था वो दोनों तरफ था, तो वो नहीं चाहिए, जिसको हम कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। डुप्लीकेसी का मतलब क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी का मतलब होता है कि कॉपी ऑफ डेटा जबरदस्ती मेंटेन होना, तो जब तक एक जगह पे एक डेटा नहीं होगा तब तक डेटा इंटेग्रिटी नहीं आ पाएगी, डेटा सही है कि नहीं है उसी का नहीं पता चल पाएगा। तो डेटा एक जगह पे होगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ दिस इज द ओनली डेटा दैट वी हैव, तो जितना भी अपडेशन हुआ है रियल टाइम पे एक ही जगह पे हुआ है, और वो बहुत जरूरी है। और आपने ये महसूस किया होगा अपने ऑफिस में, अगर आप आर्टिकल्स के दौरान आपने महसूस किया तो अच्छी बात है, आपने अब जाकर के इन चीजों का मैटर सेटल कर लिया है। तो नहीं तो अगर आप अभी देख रहे हो तो आप अपने आर्टिकल्स के साथ भी ये चीज देख पा रहे हो कि कॉमन डेटाबेस नहीं होने से कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। इनफैक्ट हम तो ऐसा बोलते हैं कि आपके ऑफिस की बात करूं मैं तो आप लोग एक्सेल यूज करते हो। हाँ, अब एक्सेल में भी क्या होता है, सेम यही चीज होती है कि बहुत लोग ना एक ही एंटिटी का आपको जब फॉर्मेट्स वगैरह लेना होता है तो आप एक एंटिटी का फॉर्मेट एक्सेल पे लेते हो, उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हो, और आपकी टीम में मल्टीपल लोग ऐसा ही कर लेते हैं, वो भी एक्सेल पे ले लेते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर अगेन फाइल ए में भी डेटा है, अलग भी डेटा है, और फाइल बी में भी अलग डेटा है, और दोनों फाइल मैच भी नहीं कर रही है, और प्लस ड्यूअल स्पेस भी खा रही है। इसी वर्किंग को अच्छा करने के लिए लोग आजकल क्या यूज कर रहे हैं? गूगल शीट्स। गूगल शीट्स पे क्या होता है, आप सेम शीट को शेयर कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं नमूना इसका, दिखा दो, दिखाने में क्या है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नमूना भी दिखा देता हूं। तो मैं अपने मेल पे जा रहा हूं, ऐसे कॉन्फिडेंशियल चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन ठीक है, आपकी और मेरी बात है और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीक्रेसी मेंटेन करोगे, ऐसा मान के कर लेते हैं। तो मैं जीमेल पे जा रहा हूं, अब अपना काम तो पढ़ाने का बहुत सारा है,
राइट। तो स्टार्ट पे चलते हैं, और स्टार्ट में से आप देखेंगे तो मेरे पास में उन्होंने बोला है वेंदन बी हैज इनवाइटेड यू टू एडिट द फॉलोइंग स्प्रेडशीट दैट इज इंटरमीडिएट ग्रुप टू बैच प्लान। तो हम लोग अभी ना आगे एक लॉन्च करने जा रहे हैं, और ये कल ही शीट शेयर हुआ है April 3, और आज आप देखो April 4, और ये मेरे अलावा और भी लोगों को शेयर हुआ है, ठीक है ना। दीज आर दी अदर फैकल्टीज जिनको ये शेयर किया गया है, और उनको बोला है कि आप लोग जो है अपना कोर्स शेड्यूल इस पे डालो। तो अब सभी लोग हम लोग एक ही शीट पे काम कर रहे हैं, जी हाँ। इससे क्या होगा, डेटा इंटीग्रिटी रहेगी, इससे क्या होगा सब लोग एक ही शीट पे काम कर रहे होंगे। तो मेरे को शेड्यूल डालना है, तो उन्होंने बोला कि ये टॉपिक्स हैं आपके, आप अपना शेड्यूल डाल देना। तो मैं तो पढ़ाता हूं कि ESSM, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से जाकर के अपना जो है शेड्यूल डाल दूंगा इधर कॉन्सेप्ट फील्ड के हिसाब से कि मुझे कब 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 कितना समय लगेगा और मैं कितने टाइम में ये पढ़ा पाऊंगा। तो दैट इज हाउ आई विल अपलोड। और मैं क्या कर सकता हूं, मैं बाकी लोगों का जो उन्होंने काम किया उनको भी देख सकता हूं। तो उन्होंने डेट और टाइमिंग डाल दिया, जैसे कि इनका 4 मई से पहला चालू करना चाह रहे हैं क्लास, और दिस वुड बी द कॉन्सेप्ट, फिर 4, 5, 6 को लेंगे, फिर डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे। इस तरह से इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि नहीं कर लिया। तो इस तरह का इनका शेड्यूल लग गया। अब मैं जब अपडेट करूंगा तो इसी फाइल पे अपडेट होगा। नाउ हाउ विनर्स मैच विल गो अहेड, तो उधर उन्होंने दे रखा है शेड्यूल पूरा का पूरा कि ऐसे ऐसे आपने करना है, राइट। सो दिस इज हाउ आई हैव टू गो फॉरवर्ड। तो इस तरह से मेरा का सारा काम होगा। अब एक ही शीट पे सब लोग आ गए, तो एक तो क्या हो गया, हम लोग रेडी टू डू वर्किंग कर सकते हैं। दूसरी बात, सेम डेटाबेस है तो डेटाबेस की इंटीग्रिटी बरकरार रहेगी। अब जो भी चलाएगा एक ही शीट में अपडेशन करेगा। आपको ये यूज करना चाहिए ताकि डेटाबेस एक जगह पे ऑर्गेनाइज तरीके से है। तो ये था हमारा टिप जो आपके ऑफिस में बड़ा काम आ सकता है। तो ऑफिस ऑटोमेशन को लेकर के भी मैं थोड़ा थोड़ा गाइडलाइन आपको बीच बीच में देता रहूंगा, जो कि बड़े बड़े अच्छे होंगे, ठीक है ना, बड़ी अच्छी चीजें होंगी। तो नेटवर्किंग का कैसे यूज करते हैं और डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं, उसका एक नुस्खा मैंने आपको दिया, दैट इज गूगल शीट्स। और इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी आपके ऑफिस के काम को रेगुलेट करने में, प्लस डेटा रिडंडेंसी को खत्म करने में, प्लस ऑनलाइन मेंटेन करने में भी डेटा को, क्योंकि गूगल शीट है तो गूगल पे भी मेंटेन हो जाएगा, यानी किसी ना किसी के जीमेल पे भी बड़े आसानी से मिल रहा होगा, आपको सर्च करने में भी दिक्कतें कब आएंगी। सो ये बड़ा आसान तरीका है। तो प्रॉब्लम ऑफ रिडंडेंसी भी जो है वो हम इसलिए भी चाह रहे हैं कि डेटाबेस बनाए, क्योंकि डेटा इधर उधर बिखरा रहेगा अलग अलग लोगों के पास में, सेम चीजों के मल्टीपल कॉपीज रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, और ये भी नहीं पता चलेगा कि मोस्ट अपडेटेड फाइल कौन सी है। रिडंडेंसी कभी कभी डेलिबरेट होती है, वो अच्छी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं तो एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, रिडंडेंसी डेलिबरेट कैसे होती है वो भी सुनना। रिडंडेंसी गुड बैड दोनों चीज समझने पड़ेगी। गुड रिडंडेंसी कब होती है, जब ऑर्गेनाइज होती है। जैसे कि गुड रिडंडेंसी की बात करूं डेटा को लेके, तो अगर आप बैकअप मेंटेन करना चाहते हो, बैकअप कॉपी मेंटेन करना चाहते हो, ठीक है, ऑफ डेटाबेस, तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप इसका मतलब अपने लिए क्या कर रहे हो, आप अपने लिए एक डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग कर रहे हो। बैड कब है, जब आप क्या कर रहे हो, फाइल्स की मल्टीपल कॉपीज रख रहे हो, ठीक है, विदाउट सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। अगर आप ऐसा कर रहे हो जो कि बिना डेटाबेस के हो ही रहा था, तो हम कहेंगे कि रिडंडेंसी अच्छा नहीं है। तो रिडंडेंसी बड़ा सब्जेक्टिव है, कोई बोले रिडंडेंसी खराब होती है, डेटा रिडंडेंसी खराब होती है, तो मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं बोलता हूं कि सब्जेक्टिव है। बैकअप के फॉर्म में डेटा रिडंडेंसी है ऑफ अ डेटाबेस, दैट इज गुड। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं, हमने तो बस फाइलें इधर उधर बिखेर रखी है, मल्टीपल जगहों के सेम ही फाइलें मिलती रहती हैं और बस घिचपिच मचा रखी है, तो मैं बोलूंगा कि रिडंडेंसी बड़ी खराब चीज है। तो बड़ा सब्जेक्टिव है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। MCQs में हम लोग कभी कभी गलती कर देते, तो गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे अभी तक कोई MCQ तो करा नहीं रहे सर आप, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें एक साथ क्लियर हो, फिर ही MCQ उनके डिस्कस हो, ताकि हम ज्यादा नंबर में भी कर पाए। शुरुआत में मैंने इसलिए करा दिया ताकि आपको मैं रिलेट करा पाता कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो MCQ से क्लिक करता है। ऐसा नहीं है कि MCQ से कोई रिलेशन ही नहीं है उसका, या फिर मैं बस पढ़ाए जा रहा हूं हवा में तीतर बीतर और आपको इकट्ठे करने में दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप सुनते जाइएगा, अगला जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब DBMS से पहुंचने से पहले डेटाबेस तक तो पहुंच जाए थोड़ा सा, चलो मैं आपके साथ में थोड़ा डेटाबेस पे और डिस्कशन कर लेता हूं। देखो डेटाबेस है क्या, बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। सो एक पेज डाल रहा हूं बीच में और डिस्कशन कर रहा हूं। सो डेटाबेस की जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि डेटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। यानी हम लोग अब सारा का सारा जो डेटा है वो एक साथ एक जगह पे अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं। अब मेंटेन कैसे करेंगे, जब सर हम एक साथ एक जगह पे उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करेंगे,
ठीक है ना। तो डेटाबेस के अंदर हमारी जो सोच और समझ ये है वो ये है कि भाई सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर लो। क्या कर लो? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे कर लो? आप लोग जब स्टोरेज करते हो अपने लैपटॉप वगैरह में तो देयर हैज टू बी सम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे मैं अपने अपने लेवल पे दिखाता हूँ कि जब मैं डेटा मैनेज करता हूँ तो मेरी क्लासिफिकेशंस कैसे टाइप की हो सकती है। इसको एक बार बंद कर लेते हैं। आप यहाँ देखिएगा, मैंने तो बड़ा डेटा फैला रखा है। आप देखो अगर तो मैंने कुछ टैक्स इनवॉइसेस कर रखे है, अनअकैडमी के कुछ रिकॉर्डिंग्स जो मेरे काम आते हैं उनके प्रमोशंस के लिए वो कर रखे है, मैंने कोई केस स्टडी डाला था वो कर रखा है, डू नॉट ओपन करके भी एक बना रखा है और एक नुपुर करके भी बना रखा है। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ फोल्डर्स बना रखे हैं और टैक्स इनवॉइसेस के भी बना रखे हैं कि मैं डीसा वगैरह करके बैचेस लेता हूँ तो कैसे कैसे जो है अपने इनवॉइसेस यूज करते हैं हम लोग, बुक सेल, टैक्स इनवॉइस, डीसा, एलडीएनसी, अलग अलग, और इन इन जगहों पे जा जाकर मैंने सेशंस वगैरह भी ले चुका हूं अभी तक। तो मैं इनके लिए भी इनवॉइसेस तैयार करता हूँ। अब जब मैं इनवॉइसेस तैयार करता हूँ तो बेसिकली मैंने उसको एक तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है कि ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। ठीक है ना, तो ऑर्गेनाइज करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना अपने आप में, आप डेटाबेस बना देते हो आप ऑर्गेनाइज कलेक्शन से। अब आप भी समझ पा रहे हो कि जब हम और आप खुद दिमाग लगा लगा करके डेटा को अरेंज कर रहे हैं तो इसी तरह से हो रहा है जैसे मैंने कर रखा है, आप देख रहे हो ना। इसको बोलते हैं घिचपिच करना। और अगर आपको और दिखाऊं तो मेरे को शर्मिंदगी महसूस होगी, ये और भी बड़ी घिचपिच है। खैर जो है सो है। अब हम इस तरह से कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर कंपनियां भी इस तरह से करेंगी क्या? तो मैंने कहा नहीं। अब कंपनियों के पास लाखों कस्टमर्स का डेटा है, ठीक है, और इतने सारे कस्टमर्स का डेटा है, ऑर्डिनरीली इतना डेटा अगर मेंटेन कर रहे हैं, इस तरह का डेटा मेंटेन कर रहे हैं, तो दे कैन नॉट रिलाई ऑन ह्यूमन पर्सनल टू अरेंज डेटा फॉर देम। दे शुड हैव व्हाट? सम सॉफ्टवेयर टू लॉजिकली अरेंज एंड रिकॉर्ड डेटा एज एंड व्हेन इट अराइव्स। तो लॉजिकली अरेंज एंड रिकॉर्ड डेटा, ठीक है ना। तो डेटा को कैसे अरेंज करना है उससे बहुत फर्क पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप दो चीजों को एक साथ रखते हो तो हो सकता है आप उससे कंक्लूजन निकाल लो, और उन्हीं दो चीजों को अलग अलग रखते हो तो हो सकता है आपको उस पर कोई आंसर ही ना मिल पाए। ऐसा बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। दो सेल्स आपने एक साथ रखी तो हो सकता है पता चल रहा हो कि एक की सेल गिर रही है तो साइमल्टेनियसली दूसरे की बढ़ रही है, इसका मतलब देयर इज अ प्रोडक्ट शिफ्ट। आपने दोनों की सेल एक साथ रखी और आपने कहा कि दोनों की सेल एक साथ ही गिर रही है, इसका मतलब ये है कि लोग अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से शिफ्ट हो चुके हैं, वो कुछ और खरीद रहे हैं। तो आप सर्च करो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या है। तो इसका मतलब डेटा साथ में रखने से और डेटा बिखेर के रखने से भी बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए तो हमने कहा कि डेटा के ऊपर जब कॉन्टेक्स्ट लगाएंगे तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और इंफॉर्मेशन के ऊपर जब गहरा एनालिसिस होगा, एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पे जब एग्रीगेटेड एनालिसिस होगा तो हमारे पास में क्या आएगा? नॉलेज। ठीक है ना, ठीक। अब DBMS क्या है? बेसिकली इट्स द सॉफ्टवेयर टू मेंटेन एंड मैनेज द डेटाबेस। अच्छा, समझना, एक बार थोड़ा दर्शन कराने की कोशिश करते हैं हम लोग आपको। कैसे दर्शन कराएंगे? चलते हैं Amazon पे, ये देखिएगा। ओहो, इंटरनेट। लो जी, लो देखो, Amazon की बात करता हूं। Amazon अगर आप देख पा रहे हो 5G नेट है, बेइज्जती ना कराना, देख। हाँ, खोलते हैं वापस Amazon ही ना। तो मैं तो अब एक HCGN कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से बिजनेस चला दूं। सो इसने कहा हेलो रजत। मैंने कहा ठीक है जी। अब ये भी मेरा डेटाबेस मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर तो रहा है। तो मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लोर मारते हैं। एक्सप्लोर कैसे करें? तो जरा चलते हैं इधर ही। और मैंने कहा जो पहला पेज है उस पहले पेज पे इसने मुझे बताया कि आप ये सब चीजें खरीद सकते हो। कुछ मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री भी ये मेंटेन कर रहा है कि मैंने क्या क्या ब्राउज किया है, आपको दिख रहा है? तो ये मेरी कुछ ब्राउजिंग हिस्ट्री है, और ब्राउजिंग हिस्ट्री में वो भी कुछ आ गया जो कि मैं आपको डिस्कशन करके दिखा भी रहा था। तो हमने कुछ कॉफी भी देखी है, वॉच भी देखी है, कुछ बिस्किट्स देखे हैं, कुछ आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से कुछ ऑर्डर करने का कोशिश किया था, ठीक है ना। सो ग्रोसरी एसेंशियल्स और ये सारी चीजें, तो हम लोगों ने ये सब देखा, ठीक है। अब जब मैंने देखा तो उसने एक डेटाबेस बना लिया। क्या ये मुझे फ्यूचर में सजेशंस दे सकता है?
कि आप में क्या लेना चाहिए या किस तरह का होगा, तो ये मेरी एक प्रोफाइल बना करके मेरा डेटा अरेंज कर रहा है। क्या कोई आदमी बैठा है जो अरेंज कर रहा है या इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर है जो कि चीजों को अरेंज करता जा रहा है? आया ना, इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर ही ऑपरेट कर रहा है, जो जो मैं काम कर रहा हूँ उस डेटाबेस को भी वो अरेंज करता चलता है। और अगर वो चाहे तो मुझे रिपीट ऑर्डर के लिए भी बता सकता है, बाय अगेन। तो बाय अगेन में क्या आएगा, जो ऑलरेडी मैं खरीद चुका हूँ उधर से आएगा। अब देखो इससे क्या होता है, इससे ना बहुत सारी हैबिट्स पता चल जाती है, इसलिए मैं अपने प्रोडक्ट्स को ना ज्यादा दिखाऊंगा नहीं। तो मैंने ऊपर ऊपर एक दो स्क्रीन दिखा दिया, आपको भी इनमें से कुछ पसंद आया तो ले लेना, अदरवाइज हम जाएंगे नहीं इसकी डिटेल में। अच्छा सुनना मेरी बात, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इसके पीछे चाहिए हम लोगों को सॉफ्टवेयर टू मैनेज, दैट इज कॉल्ड व्हाट। सो डेटाबेस जो है उसको जो मैनेज कर रहा है पीछे, तो उसके पीछे एक और एप्लीकेशन लगाया हमने, एंड दैट एप्लीकेशन इज डीबीएमएस। कोई भी बड़ी एंटिटी बिना डीबीएमएस के तो नहीं काम करेगी, क्योंकि डेटाबेस अपने आप में किसी व्यक्तिगत तरीके से मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो दैट इज व्हाई डीबीएमएस इज देयर। अच्छा एक एग्जांपल भी दे दो, MySQL, ठीक है। तो MySQL एक एग्जांपल दे दिया, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो अगर आपको डेटाबेस पे कुछ भी रिसर्च करना है, कुछ भी सवाल पूछना है, तो एक बड़ा अच्छा डीबीएमएस का टूल है। Oracle के भी DBMS टूल्स आते हैं। सो सिस्टम्स बेसिकली चलते कैसे, अब हम बिजनेस चला रहे हैं तो बेसिकली हमारा तो एप्लीकेशन कैसा है, ईआरपी जैसा है। वो ईआरपी का एप्लीकेशन जब उसके कोई भी कस्टमर आएगा तो वो डेटा मांगेगा कि हमको दिखाओ जरा, तो वो डेटा कहां से आ रहा है, वो DBMS ढूंढ के ला के दे रहा है और वो फिर उस ईआरपी को दे रहा है। तो DBMS का काम क्या है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करना, और ईआरपी का काम क्या है, कस्टमर से इंटरेक्ट करना, ठीक है ना। और ईआरपी जो भी रिक्वायरमेंट है वो DBMS को देगा, DBMS डेटा निकाल करके ऊपर देगा। तो DBMS डेटाबेस से जो डेटा जाएगा वो DBMS के एप्लीकेशन को जाएगा, और DBMS का जो एप्लीकेशन है वो ERP को देगा। समझ में आ गया? तो इससे क्या हो गया, इससे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस भी क्रिएट हो गई कि अब हम डेटा को अलग से अपडेट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को अलग से अपडेट कर सकते हैं, बस इंटरफेस ही तो बनाना है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हम लोगों को कहीं ना कहीं फायदा है। अच्छा और देखिएगा, डेटाबेस बनाने के भी कुछ मॉडल्स होते हैं। तो बोल रहे हैं कि जब डेटाबेस मेंटेन करोगे तो DBMS तो डेटा निकाल कर देगा तुमको, चाहे तुम डेटा फाइल ऐड करो, रिमूव करो, डिलीट करो, ये सारा काम DBMS कर रहा होगा। लेकिन तुम डेटा बनाना कैसे चाहते हो उसकी एक मॉडलिंग तुम्हें देनी पड़ेगी। तुम DBMS को बोलोगे कि देख तू ऐड करे तो इस हिसाब से करना, या तू मेंटेन करे डेटा तो इस हिसाब से करना। तो उसके तीन बेसिक मॉडल दिए हैं, चौथा मॉडल है एक और लेटेस्ट, लेकिन वो अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन नाम ले रहे हो, क्योंकि बाय चांस अगर ऑप्शन में आ गया ना तो आपको ऑप्शन का नाम भी नहीं मालूम होगा तो दिक्कत होगी, तो इसलिए अलग से हाईलाइट करो। कभी कभी क्या होता है, तीन दिए चौथा नहीं आ रहा, तो आपने बस चौथे पे टिक मार दिया, इसलिए आपसे बोला विच ऑफ दीज इज नॉट अ डेटाबेस मॉडल, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल आ गया, रिलेशनल आ गया, नेटवर्क आ गया, और फिर डी आ गया, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को टिक करना है, क्योंकि सभी डेटाबेस मॉडल है। बाय चांस ऐसा ना हो कि ये वर्ड कहीं यूज हो जाए किसी क्वेश्चन में, इसलिए मैंने दे दिया, ठीक है ना। तो ये अगर आ जाता है कहीं सेंटेंस तो समझ लेना कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है। अच्छा डेटाबेस मॉडल कितने टाइप के हुए, चार टाइप के हुए। अभी चार टाइप के डेटाबेस मॉडल के अंदर जो पहला डेटाबेस मॉडल है उसका नाम क्या है, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। देखो ये मॉडल भी जो है ना, ये चारों मॉडल जो है ये इवॉल्व हुए हैं विद टाइम। मतलब पुराने जमाने के लोग हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल यूज करके बड़े खुश थे, उसके बाद आगे आने वाले लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये बेस्ट तरीका नहीं है, तो उन्होंने नेटवर्क डेटाबेस मॉडल पे जाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद आने वाले लोगों को और लगा कि नहीं 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 ये भी ठीक नहीं है, रिलेशनल पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑल तो है, लेकिन मैं उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि दो लाइन में मैं बोलूंगा और आपने समझ के बाहर निकलना, क्योंकि हम उतनी ही इज्जत दे पाएंगे इसको, ठीक है ना। अच्छा हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल के अंदर दो टाइप के रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हो, वन टू वन एंड वन टू मैनी। व्हाट डज दैट मीन, इट मींस कि से फॉर एग्जांपल अगर मैं फोल्डर और फाइल्स मेंटेन करता हूं, और मान लो मैंने लिखा कि चलो ऐसा करते हैं यहां पे फाइल मेंटेन करते हैं एक बॉलीवुड की, तो हमारी एक बॉलीवुड की फाइल मेंटेन हुई, उसके अंदर रिकॉर्ड्स हो सकते हैं मे बी चार, और मैंने कहा एक हो सकता है एक्शन, एक हो सकता है कॉमेडी, और एक मान लो मैंने डाल दिया रोमांटिक, और एक मैंने डाल दिया मान लो थ्रिलर, ठीक है ना। अब मैंने एक मूवी नाम की एक्शन पे मान लो कर लेते हैं खिलाड़ी, खिलाड़ी 786, और आपको लग रहा है कि यार ये कॉमेडी भी है, तो आप क्या करोगे, आप एक और कॉपी मेंटेन कर लोगे, किसकी, खिलाड़ी 786 की। समझ गए, मतलब अब आपके पास में क्या है, डेटा रिडंडेंसी। अब उस टाइम पे, पुराने टाइम में, आजकल ये मॉडल बिल्कुल यूज नहीं होता,
मैं कह रहा हूँ पुराने टाइम में हमारे पास में ये सब चलता था, क्यों? क्योंकि स्पेस ज्यादा हुआ करती थी, डेटा कम हुआ करता था, राइट? अब नहीं चलता, ठीक है, अब नहीं चलता। थोड़ी सी डेटा के ऊपर भी बात करता हूं, एक छोटी सी चर्चा मेरी ओर से, जरा सुनना। डेटा की बात करूं मैं तो डेटा की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से होती है। एक हम बोलते हैं डेटा मार्ट, जहां पे हम कह सकते हैं कि छोटे लेवल का डेटा मेंटेन होता है कम साइज में। एक होता है डेटा वेयरहाउस, जहां पे हम ज्यादा डेटा मेंटेन करते हैं तो हम बोलते हैं डेटा वेयरहाउस है। और एक और कॉन्सेप्ट होता है बिग डेटा। डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो डेटा वेयरहाउस बड़ा है डेटा मार्ट से और बिग डेटा बड़ा है डेटा वेयरहाउस। लेकिन अगर हम थोड़ी साइज की बात करें यूं ही, तो हम बोल सकते हैं कि जीबीज एंड टीबीज ऑफ डेटा, टेराबाइट्स ऑफ डेटा डेटा मार्ट में आ जाता है। डेटा वेयरहाउस में क्या आता है फिर? पेटाबाइट्स एंड मैं ऐसा कह सकता हूं ईबीज, दैट इज एक्साबाइट, ठीक है, पेटाबाइट लिख नहीं रहा हूं। और यहां पे आ जाएगा जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, ये सब बिग डेटा में जाता है। अच्छा मैं आपको बताऊं अगर, तो 2001 में पूरे वर्ल्ड में कितना डेटा था? 3 एक्साबाइट्स ऑफ डेटा था। पूरे वर्ल्ड का डिजिटल डेटा अगर निकाल लो तो 3 एक्साबाइट ऑफ डेटा था। हाल फिलहाल हम बोल रहे हैं कि जो अकेला नासा है, नासा का डेटा योटाबाइट्स में जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इतने से सालों में डेटा की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ गई। पहले मुझे याद है कि मैं जब अपनी थर्ड क्लास में था, क्लास थर्ड में, तब मेरे को कंप्यूटर मिला था घर पे पहली बार। उस टाइम पे मेरे पास में जो हार्ड डिस्क थी वो 40 GB की हुआ करती थी। अभी मेरे मोबाइल में 64 GB का मेमोरी कार्ड है और वो भर गया, और ज्यादा टाइम यूज करते हुआ नहीं, हार्डली 6 months के आसपास ही हुए, और 64 GB की मेमोरी कार्ड भर गया है, 64 GB की इंटरनल मेमोरी भी भर गई है। और रोज नाटक हो रहे हैं कि कुछ आइटम डिलीट करो, ये करो, वो करो, 128 GB हमने खत्म कर दिया है और कुछ ही महीनों में कर लिया। जबकि जो थर्ड क्लास में कंप्यूटर लिया था वो 8वीं तक चला और कभी भी उसके 40 GB भरे नहीं थे। तो आप समझ सकते हो कि डेटा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और ये डेटाबेस मॉडल जो है आगे जाके फेल हो जाएगा। तो इसके ऊपर ज्यादा कुछ आएगा नहीं, लेकिन नाम मालूम होना चाहिए, क्योंकि MCQs वगैरह में अगर कुछ आ गया आपको करना पड़ेगा। तो हायरार्किकल मॉडल बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्लियर हायरार्की है, या तो 1-to-1 रिलेशनशिप होगा या 1-to-many रिलेशनशिप होगा। जबकि अगर ऐसा कुछ होता, इधर से ये लिंक हो जाता एक्शन और कॉमेडी मिला करके, और एक ही मूवी पे जाता तो क्या होता, एक्शन में भी खोलते तो खिलाड़ी 786 का लिंक आ जाता, और कॉमेडी खोलते तो भी लिंक आ जाता, तो एक ही जगह पे आ जाता, यानी एक ही बार स्टोर करना पड़ता, वो अच्छा होता ना ज्यादा, पर वैसा नहीं है। तो जब आगे जाकर समझ में आया कि यार डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, तो लोग कौन से मॉडल में शिफ्ट हो गए? नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। और उसके अंदर वो चीज हो सकती थी जो मैंने आपको जस्ट अभी अभी दिखाई। अच्छा ठीक है, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दो, देता हूं ना। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए नेटवर्क स्ट्रक्चर का मोबाइल ले आया हूं, और मोबाइल के अंदर क्या दिखाने का प्रयास है जरा देखना। ये दिखाया मैंने यहां पे आपको मोबाइल। अब बात आती है यहां पे कि कॉन्टैक्ट्स पे जाते हैं। मेरे पास कॉन्टैक्ट्स पे जाने के बड़े सारे तरीके होंगे, बिल्कुल होने चाहिए, और क्यों ना हो। So, बड़े सारे तरीके हो सकते हैं कॉन्टैक्ट्स पे। मैं एक तो कॉन्टैक्ट्स के टैब से भी जा सकता हूँ, एक मैं सोच रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट्स को मैं अलग से भी एक्सेस कर सकता हूँ लॉग बुक से भी, तो फोन लॉग से भी एक्सेस किया जा सकता है। यानी आप देख सकते हो बड़ी सारी जगहों से कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस किया जा सकता है ना। ये तो आपके मोबाइल पे भी आप देख सकते हो, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अगर आप कॉन्टैक्ट्स को ट्रू कॉलर से भी एक्सेस कर रहे हो, अलग अलग एप्लीकेशन से, अलग अलग जगहों से एक्सेस कर रहे हो, तो दिस इज काइंड ऑफ शोइंग यू अ मेनी टू वन रिलेशनशिप, राइट? जहां पे तीन जगहों से एक ही डेटा एक्सेस हो रहा है। तो क्या ऐसा बोल दूं कि वो डेटा फिर तीन बार कॉपी हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर या नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, जहां पे आप क्या कर रहे हो, मेनी टू वन रिलेशनशिप को भी अलाउ कर रहे हो एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप भी अलाउ कर रहे हो। अब इसका भी एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक क्या है कि आप कोई भी आर्बिट्ररी कनेक्शन नहीं कर सकते। आपको जब कनेक्शंस करने, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी एक्सप्लिसिट कनेक्शंस आप जोड़ सकते हो, मतलब हर चीज को बड़ा डिफाइन करके चलना पड़ेगा। आजकल वो सिस्टम नहीं रहा, आजकल हम बोलते हैं कि लिंकेज कर लो और जैसे तैसे भी लिंकेज कर सको करके देखो। तो इसलिए जो डेटाबेस डिस्कस किया जाता है सबसे ज्यादा, वो करा जाता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जो कि क्या कहता है, जो कि ऐसा कुछ कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना,
वो बोलता है कि जब भी आप डेटा को रिकॉर्ड करो तो मेंटेन इट इन अ टेबल स्ट्रक्चर। अब वो टेबल्स में मेंटेन करने से फायदा क्या होगा, उन्होंने कहा कि अगर आप से फॉर एग्जांपल दो टाइप का टेबल मेंटेन करते हो, मैंने कहा ये हो गया स्टूडेंट्स का और मान लो ये हो गया फैकल्टीज का, इस तरह का कोई टेबल मेंटेन कर लिया आपने, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा कुछ इस तरह से होगा कि अगर मान लो मेरे पास में यहां पे आता है स्टूडेंट आईडी और यहां पे आता है फैकल्टी आईडी, तो हमने डाला कि स्टूडेंट से फॉर एग्जांपल हो सकते हैं एकता, रुचि, एक और नाम रख लेते हैं आदित्य, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये तीन स्टूडेंट है और हमने कहा ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हमने उनके तीन सब्जेक्ट्स लिख दिए और हमने कहा कि इनका फोन नंबर ये है और सॉरी यहाँ पे नेम लिखना चाहिए था मुझे, बार इसको नेम में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये हो गया जी स्टूडेंट आईडी, ठीक है। सो स्टूडेंट आईडी यूनिक होगी, मान लो इनकी 1001 है, इनकी 1002 है, इनकी 1003 होगी। ऐसे फैकल्टी आईडी भी यूनिक होगी, मान लो हमने फैकल्टी आईडी की सीरीज 2000 से चालू की, सो 2001, 2002, 2003 एंड मान लो यहाँ पे फैकल्टी का नाम आ गया फॉर एग्जाम्पल रजत और सब्जेक्ट आ गया कह सकते हैं डीसा और मान लो यहाँ पे एक डाल देते हैं सिग्नेचर, ठीक है ना। तो इस तरह की साइन की रिकॉर्ड्स भी आ गए। अब अगर ऐसा हम बोले कि फैकल्टी आईडी और स्टूडेंट आईडी के बीच में अगर कोरिलेशंस निकालने हो तो हम ऐसा कह सकते हैं अगर मैं 1001 के साथ में प्लेस कर दूं 2001 तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो एकता स्टूडेंट है उनको रजत पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, डीसा पढ़ा रहे होंगे डेफिनेटली। अगर ये सब्जेक्ट वाली फील्ड नहीं भी होती तो भी ये क्लियर हो जाती। अब क्या होगा अगर कोई और भी तीसरी चीज आ सकती है जिसको हम इसमें लिंक कर सकते हैं, मे बी मार्क्स, मार्क्स की भी एक टेबल बन सकती है और मार्क्स को भी लिंक किया जा सकता है, तो आप स्टूडेंट आईडी के साथ मार्क्स भी लिख सकते हो कि किसको क्या मिला, तो वो भी हो सकता है। तो इसका मतलब आप कितना भी डेटा कंबाइन कर सकते हो। तो ये जो है ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है। डेटाबेस को कंबाइन कैसे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं जो कि एक यूनिक रिकॉर्ड, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे फैकल्टी आईडी, इसको हम बोलते हैं की। और ये की को क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। जितने भी बड़े सारे डेटाज होते हैं बिजनेसेस के वो टेबल स्ट्रक्चर में ही कंबाइन होते हैं और इसी तरह से कंबाइन होते हैं, तो इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो यहां पे मैंने स्टूडेंट आईडी फैकल्टी आईडी जोड़ के दिखा दिया आपको। नाउ दिस क्रिएट्स अ प्राइमरी की, प्राइमरी की को मैंने समझा दिया। अब कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो नेम है और ये सब भी है, ये सब भी मर्ज हो सकता है आराम से, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यानी अगर आपको एकता पे डेटा निकालना हो तो आप बहुत सारा डेटा निकाल सकते हो और बहुत सारा डेटा जो भी एकता से लिंक होता होगा सबको एकता की आईडी से जोड़ सकते हो। ये करने से बड़ा फायदा होगा, तो आप डेटा को इंडिपेंडेंट भी रख सकते हो और जहां पे आपको कंबाइन करना है वहां पे आप उस डेटा को कंबाइन भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं दोनों तरह से बेनिफिशियल हो गया। तो दिस इज आवर प्राइमरी की वर्क्स। तो ये हो गया हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हर टाइप का रिलेशनशिप है उसमें, जैसे कि 1-to-1, 1-to-many, many-to-1, many-to-many, नेटवर्क में भी था, लेकिन उसमें रिलेशनशिप को डिफाइन करना पड़ता था। यहाँ पे रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं कर रहे, हमको जैसे जिस चीज की जरूरत पड़ रही है उसको हम लिंक करते जा रहे हैं। क्या इससे बेटर रिसर्च हो पाएगा? डेफिनेटली हो पाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको बोला जाए कि कौन से डेटाबेस मॉडल को चूज करना चाहिए या कौन सा डेटाबेस मॉडल आज के जमाने के बिजनेस के लिए पर्याप्त है, तो आप कहेंगे कौन सा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आजकल एक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी चल गया जहां पे इमेजेस, वीडियोस और इन सब का भी जो है मेंटेनेंस हो पाता है। दैट लेट्स कीप इट असाइड फ्रॉम द बिजनेस डेटा, अभी एक बार उसको यही समझ के कर लेते हैं कि चलो ठीक है एक और मॉडल है, क्योंकि हमारे कोर्स में उसके ऊपर कोई डिक्टेशन नहीं और नहीं है, तो मैं फालतू में आपकी मेहनत बढ़ाना नहीं चाहता। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया। अगर आप रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं अपने आप से भी, खुद के क्लाइंट्स वगैरह के लिए भी, तो एमएस एक्सेस एक बहुत बढ़िया टूल है जहां पे आप आराम से रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए तो देखो यहाँ पे ना एक इंटीग्रिटी टेस्ट भी होता है जो कि बड़ा जरूरी है, और ना एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी टेस्ट होता है किसमें, हमारे इस पर्टिकुलर रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर।
अब ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैसे निकाली जाती है? देखो हर एक टेबल का, जैसे कि मैं यहां पे पीछे दिखाऊं, तो स्टूडेंट आईडी बिकम्स दी प्राइमरी की। अगर हम लोग इस रिकॉर्ड को कनेक्ट करें तो फैकल्टीज के साथ, अगर मुझे रिकॉर्ड को कनेक्ट करना पड़े तो हम लोग बोलेंगे कि एक और नया टेबल बनेगा, स्टूडेंट फैकल्टी टेबल, ठीक है, ओके। और ये स्टूडेंट फैकल्टी टेबल से, या फिर हम बोलेंगे कि सब्जेक्ट ऑप्टेड टेबल से, अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट टेबल को रिलेट करूं तो स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या आ जाएगा? जैसे यहां पे हम लोगों ने लिखा फैकल्टी आईडी, यहां लिखा स्टूडेंट आईडी, और हम दोनों ने इधर क्या करा, इधर इसको एक साथ रख दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि एक टेबल बन रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट कौन सी फैकल्टी से पढ़ रहा है उसका टेबल है, तो अभी भी हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी कुड बी प्राइमरी रिकॉर्ड, और फैकल्टी आईडी इसके अंदर क्या है, फॉरेन रिकॉर्ड है। जब फैकल्टी आईडी की बात करेंगे तो फैकल्टी आईडी क्या होगा, उसके अंदर फैकल्टी की टेबल की बात करेंगे तो फैकल्टी आईडी इज द प्राइमरी रिकॉर्ड, फैकल्टी टेबल की बात करेंगे तो फैकल्टी आईडी क्या बन जाएगा, प्राइमरी रिकॉर्ड। और स्टूडेंट टेबल के अंदर जब फैकल्टी आईडी को अगर रखा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, उसका फॉरेन रिकॉर्ड बोलेंगे। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये बोलता है कि अगर आप दो टेबल को लिंक करते हो तो देयर वुड बी वन प्राइमरी रिकॉर्ड मैचिंग विद सम अदर प्राइमरी रिकॉर्ड। लेकिन जब मैच करा रहे होगे तो जब मैं इधर से देखूंगा स्टूडेंट टेबल से, और अब अगर आप डेटा मैच करा रहे हो तो ये प्राइमरी रिकॉर्ड कहीं ना कहीं इस फॉरेन रिकॉर्ड से मैच हो रहा है, सिमिलरली ये प्राइमरी रिकॉर्ड कहीं ना कहीं इस फॉरेन रिकॉर्ड से मैच हो रहा है। So every primary record when linked will match to some foreign record, ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी और के लिए वो foreign record कहलाया जाएगा, यानी हमारा जो record है student ID का, वो student ID इस table के लिए एक foreign record है, समझ रहे हो, और वो कहेगा कि इसके लिए ये foreign record है, तो हमारी जो इज्जत होगी वो हमारी table में तो primary record की है और दूसरे की टेबल में फॉरेन रिकॉर्ड की, तभी हम कह सकते हैं कि वो लिंक हो गया, क्योंकि उस टेबल की भी तो अपनी एक स्टूडेंट आईडी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट फैकल्टी आईडी अलग बना सकते हैं अगर हम लोग कुछ कॉमनलिटी पे लेकर के आ रहे हैं, तो इस तरह का डेटा हो सकता है, ठीक है ना। तो हम जब रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो हम एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। जिस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए मैं ऐसा बोलूंगा our primary record can be linked in another table, that table shall have its own primary key our key loaded there is a foreign key, क्या बोलेंगे, is a foreign key। So जब भी relation निकाला जाएगा तो हमारी primary key किसी दूसरे record की क्या बन रही होगी, foreign key बन रही होगी। So our primary key वुड बी फॉरेन की फॉर सम अदर रिकॉर्ड, उसकी प्राइमरी की नहीं हो सकती। अगर दो रिकॉर्ड की प्राइमरी की सेम है फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो जब भी हम लिंक करते हैं तो हम ऐसे ही लिंक करते हैं, तो लिंकेज की जब बात होती है तो इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कि हमारा जो प्राइमरी रिकॉर्ड है वो किसी और के लिए फॉरेन रिकॉर्ड ही बनेगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई है। इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है कि जब डेटाबेस लिंक किया जाता है तो कौन सी इंटीग्रिटी देखी जाती है, तो काफी सारी इंटीग्रिटीज की लोग बात करते हैं। एक बोलते हैं डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, डोमेन इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि वैल्यू की रेंज क्या है। जैसे हमने डाल दिया कि भाई वैल्यू की रेंज होनी चाहिए 99 तक, तो हमने कहा फिर अब 1 से 99 तक के नंबर ही आएंगे। एक होती है एंटिटी इंटीग्रिटी कि ब्लैंक नहीं हो सकता कुछ भी, आप ब्लैंक नहीं लीव कर सकते किसी भी सेल को,
वो होती है एंटिटी की इंटीग्रिटी की, ये सेल ब्लैंक छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा जा सकता है, कैन वी लीव दिस ब्लैंक और नॉट, सो ब्लैंक और नॉट बेसिकली, और वैल्यू का रेंज क्या होगा वो यहां पे आ जाएगा, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होगा, प्राइमरी की ऑफ आवर रिकॉर्ड इज फॉरेन की ऑफ लिंक्ड रिकॉर्ड, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इससे हम लोग जो है इसको कवर कर लेते हैं, और जो डेटाबेस है उसके अंदर ये मेन टॉपिक हमारे दिमाग में आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके, आगे चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डेटा नॉर्मलाइजेशन। आप देख रहे होंगे तो मैंने जब आपको टेबल कराया अभी थोड़ी देर पहले रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का, तो मैंने यहां पे एक गलती जानबूझ के की, मैं एक बार गलती डिफाइन कर लेता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमने स्टूडेंट टेबल और फैकल्टी टेबल के अंदर दोनों के अंदर सब्जेक्ट लिखा है, जबकि अगर हमने डेटा कनेक्ट करना ही है तो हम लोगों को ये अलग से देने की जरूरत नहीं थी। मतलब अगर हम दोनों के सब्जेक्ट की जगह पे एक ही जगह पे सब्जेक्ट लिख देते हैं, और अगर हम दोनों डेटा को कनेक्ट भी कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी फैकल्टी से क्या पढ़ रहा है, पता चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो अगर हमको लिंक करना ही था तो फिर हमको इस तरह की जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब ये जो दो बार सब्जेक्ट लिखा है इसको बोलते हैं यूजलेस रिडंडेंसी। तो जब डेटा को टेबल फॉर्म में लाते हैं या डेटा को अगर हमको लिंक ही करना है या कोई से भी डेटा के अंदर हम लोगों को काम ढंग से करना है, तो हम उसके अंदर से सबसे पहले वो रिडंडेंसी हटाते हैं जो कि यूजलेस है। हाँ, कीज बार बार रिपीट हो सकती है अलग अलग टेबल पे, क्योंकि आप कहीं जगह पे फॉरन की तरह रख सकते हो, किसी जगह पे आप प्राइमरी की तरह रख सकते हो, दैट इज फाइन, दैट इज नॉट एन इश्यू। लेकिन आप जनरली जो कीज है उसको मिक्स कर सकते हो, दैट इज फाइन। लेकिन आप नॉन की एलिमेंट्स को अगर रिपीट करते हो तो इसका मतलब आपने रिडंडेंसी बेमतलब की, आपको कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे वो रिडंडेंसी ना हो, ठीक है। तो नॉन की एलिमेंट जो होते हैं, दिस इज अ नॉन की एलिमेंट, दिस इज अ की एलिमेंट, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, फैकल्टी आईडी इज अ की एलिमेंट, सब्जेक्ट जो है वो एक नॉन की एलिमेंट। तो नॉन की एलिमेंट को हम लोग अलग अलग मेंटेन ना करके एक ही जगह पे मेंटेन करें तो बढ़िया होगा। तो दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग द रिडंडेंसी एंड दिस इज कॉल्ड डेटा नॉर्मलाइजेशन। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट मॉडल पे या रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पे अगर आपको जाना हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डेटा नॉर्मलाइजेशन। तो डेटा नॉर्मलाइजेशन का भी कोई ना कोई एमसीक्यू बन के आ सकते हैं, बेसिक टॉपिक है, तैयार करना जरूरी है, ये सब आपके पहले पढ़ने में आया नहीं, और जब तक कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको क्लियर नहीं हो जाती ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इमारत तो हमें कुछ और भी बनानी है आगे, लेकिन ये टेक्निकल टर्म क्लियर होना जरूरी था, इसलिए मैंने डेटा नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस कर लिया। सो हम कह रहे हैं कि नॉन की आइटम्स, नॉन की आइटम्स शुड नॉट बी रिपीटेड, शुड नॉट बी रिपीटेड, ये कहीं ना कहीं मैं कहना चाह रहा हूं। आगे चलें तो डेटाबेस के कुछ स्कीमा होते हैं, स्कीमा मतलब कि उसका डिजाइन कैसे किया गया है, डिजाइन कैसे हुआ है। सो एक होता है एक्सटर्नल स्कीमा, यूजर को क्या चाहिए और वो कैसे दिखाया जाएगा, यूजर के पास क्या आएगा, वो होता है एक्सटर्नल स्कीमा। एक होता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, यहाँ पे जो भी आपको स्कीमा दिख रहा है, नेम, नेम एक स्कीमा दे रहा है कि नेम के नीचे इस तरह के आइटम्स आ सकते हैं, फोन नंबर उसके नीचे केवल नंबर्स आ सकते हैं, स्टूडेंट आईडी हो सकता है अल्फा न्यूमरिक हो सकती है, तो यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट्स हो सकते हैं, यहाँ सिर्फ नंबर्स हो सकते हैं, अल्फा न्यूमरिक हो सकते हैं, ये सब कॉन्स्टेंट्स लगा दिए, डोमेन कॉन्स्टेंट्स। प्लस ये नेम के नीचे क्या आएगा, तो नेम का जो कॉलम है वो अपने आप में एक कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट बन रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। पूरा लॉजिकल स्ट्रक्चर है कि इसके नीचे ऐसा मिलेगा, इसके नीचे ऐसा मिलेगा, इसके नीचे ऐसा मिलेगा, इसके नीचे ऐसा मिलेगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। और अगला जो है कि डेटा कैसे फिजिकली स्टोर किया जाएगा अंदर, दैट इज नोन एज इंटरनल स्कीमा। मतलब ड्राइव पे, डिस्क पे, जहां पे भी डेटा रखना चाहते हो वहां पे डेटा रखा कैसे गया प्राइमरीली, उसको बोलते हैं इंटरनल स्कीमा। तो ये तो बात हो जाती है सारी की सारी डेटाबेस स्कीमा को लेकर के या डेटाबेस के बारे में। अभी कुछ थोड़ी थोड़ी सी लैंग्वेज है जैसे कि DDL, DML, मैं उन पे भी डिस्कशन पे आ रहा हूं।